हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको इस वीडियो में करेले की रेसिपी दिखाऊंगी। दोस्तों, करेला काफ़ी तीता होता है, इसके कड़वाहट को पहले बाहर करना है दोस्तों, और उसके बाद इस करेले की रेसिपी आप सबों को दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले इसे अच्छे से कट कर लेंगे, दोनों साइड से हम इसे देखिए निकाल लेंगे और इसे एक बीज से चीरा लगा देंगे दोस्तों। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी करेले पे हम बीज से चीरा लगा लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे पानी ले लेंगे। पानी में ये सारे करेले को अच्छे से डुबो जाना चाहिए दोस्तों, इससे इसकी कड़वाहट अच्छे से बाहर हो जाएगी। और इस पानी को आप बाहर फेंक दीजिए। इस जगह पर मैं एक चम्मच नमक का इस्तेमाल करूँगी ताकि करेला अच्छे से पक जाए। तो चलिए दोस्तों, मसालों में मैंने क्या क्या लिया आपको बता दूं। एक बड़े साइज को मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, टमाटर को भी एक बड़े साइज में ले लिया है, इस जगह पे जीरा और हींग को ले लिया है दोस्तों, नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार रखेंगे, हल्दी एक चम्मच, काली मिर्च हाफ चम्मच, लाल मिर्च एक चम्मच, अदरक और जीरा और धनिया को एक एक चम्मच मैंने ले लिया है। देखिए इस जगह पर करेला अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसे चेक कर लेंगे। अब सारे करेले को अच्छे से बाहर ले लेंगे। अब इस करेले का पानी को हम बिल्कुल वेस्टेज है ये पानी फेंक देंगे दोस्तों। अब सारे करेलों के जो मैंने पहले से चीरा लगा के रखा था उसके सारे बीज को बाहर कर लेंगे। सारे बीज को बड़े आराम से बाहर निकालेंगे दोस्तों, और ध्यान रखें कि करेला बिल्कुल ठंडा होने पर ही इसे बाहर निकालें, वरना करेला टूट जाएगा। देखिए सारे करेले के बीज को मैंने बाहर निकाल लिया है, इसी तरह से सभी को इसी प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। अब इस जगह पे इस करेले के बीज को मैं एक खल में अच्छे से कूट लूँगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं और उसका पेस्ट तैयार कर लें। और इसी जगह पे मैं अदरक को भी डाल दूँगी, दोनों को एक साथ कूट लेंगे। करेले के बीज को खाना जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह से आप बीज को पेस्ट बना लें। अब इस जगह पे मैं कटे हुए प्याज को ऐड करूँगी और इसे साथ ही कूट लूँगी, और थोड़ा सा प्याज इसमें रख लूँगी तड़के के लिए। प्याज कूट जाने के बाद टमाटर को भी इसी जगह ऐड कर देंगे, उसे भी कूट लेंगे। देखिए इससे मसाला का पेस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। अब इस जगह पे मैं पैन ले लूँगी। पैन के गर्म होते ही 2 से 3 चम्मच ऑयल को ऐड कर लेंगे। तेल पक जाने के बाद इसमें मैं जीरा और राई का तड़का लगाएंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे और कटे हुए प्याज को जो मैंने बचा के रखा था उसे इसी वक्त डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हल्का ब्राउन होने देंगे। प्याज के ब्राउन होते ही इसमें मैंने जो कुटे हुए मसाले रखे थे उसको भी ऐड कर देंगे। इन मसालों को 1 से 2 मिनट चलाने के बाद सारे सूखे मसाले को इस जगह पे ऐड कर देंगे, और इस जगह पे थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि वो अच्छे से मसाले मिल जाए। तो देखिए मसाला पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए भून लिए हैं दोस्तों। भून जाने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। और इन मसालों को किसी चम्मच की सहायता से आप करेले में अच्छे प्रकार से भर लें। अब इस जगह पे इसी कढ़ाई को इस्तेमाल करते हुए इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे दोस्तों,
तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रहने देंगे। गर्म हो जाने के बाद इसमें भरे हुए करेले को इकट्ठा ही साथ डाल दें। अब इसे एक एक करके पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये करेले का भरवा बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसे आप एक से दो दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी इसे खा सकते हैं।